मुख्य शब्द कीवर्ड्स उत्फुल्लन विरंजक चूर्ण क्लिंकर मिसेल जिप्सम आभासी ठोस अति शीतलित द्रव अपमार्जक कलेट स्थायी तथा अस्थायी कठोरता तापानुशीतन। हमने सीखा, पहला, जल सर्वाधिक पदार्थों को घोल लेता है इसलिए वह सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। दूसरा, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड लवणों की उपस्थिति के कारण कठोरता होती है। तीसरा, नमक में पोटेशियम आयोडेट मिलाकर उसे आयोडीन युक्त किया जाता है। चौथा, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर सॉल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है। पांचवा, धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को उत्फुल्लन कहते हैं। छठवां, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से क्रिया कर कठोर होकर जिप्सम बनाता है। सातवां, विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजन क्रिया के लिए किया जाता है। यह उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। आठवां, सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है जो जल के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। नौवां, कांच धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है, अतः इसका कोई निश्चित संघटन और रासायनिक सूत्र नहीं होता है। दसवां, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ग्यारहवां, अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं।